जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है, वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी पा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, तो आप केपी की वाणी को अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन व्हाट्सएप करें। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अब आप हमसे शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका कैरियर। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, साथ ही शादी में आ रहे दोष को दूर करने के सरल उपाय बताए जाएंगे। यह सभी जानकारी आपको विस्तार में हिंदी में लिखकर दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के आधार पर दी जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको साल 2022 कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, उनका पारिवारिक राशिफल कैसा रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आप कितनी उपलब्धि हासिल कर पाएंगे, प्यार के मामले में आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, वित्त के मामले में आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, कैरियर प्रेम और विवाह को लेकर सभी प्रकार की जानकारी इस राशिफल में मिल जाएगी। कुल मिलाकर आपको बताए तो 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है, यह विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। साथ ही अगर किसी महीने में सेहत को लेकर अर्थ को लेकर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उस समस्या के निदान क्या होने चाहिए वो भी बताए जाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना और 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है उसे आप पूर्व में भी ज्ञात कर सकते हैं, और उन सूचनाओं के आधार पर, उन जानकारियों के आधार पर अगर आप 2022 साल जो है व्यतीत करते हैं तो यकीन माने कि 2022 आपके लिए बेहद ही खुशनुमा और शुभकारी रहने वाला होगा। तो आइए जानते हैं। तो नव वर्ष 2022 की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, नव वर्ष 2022 आपके लिए सामान्य फल देने वाला रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से यह साल बेहद ही सामान्य रहने वाला है, यानी कि परिवार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। किसी सदस्य से मतभेद हो सकता है तो किसी सदस्य से निकटतम यानी कि मधुरता बन सकती है। आप सोच समझकर अगर साल 2022 व्यतीत करते हैं तो सारे वाद विवाद सुलझ जाएंगे। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, कि जैसा कि आपको पता है कि 20 नवंबर की रात्रि को जो है गुरु राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और कुंभ राशि में 13 अप्रैल तक रहेंगे। इस दौरान कुंभ राशि के जातकों के लिए किस्मत के दरवाजे खोलने जैसा है, सभी बिगड़े काम बन रहे हैं और 13 अप्रैल तक बन जाएंगे। विवाह संबंध में जो डिले हो रहा है यानी कि व्यवधान आ रही है, अड़चने आ रही है, तय नहीं हो पा रही है, तो वो सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। प्रेम मामले में भी आपको सफलता मिलेगी 13 अप्रैल तक। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो माता पिता से बात कर सकते हैं, अपने जीवन साथी से बात कर सकते हैं, उनके माता पिता से मिल सकते हैं और अपने दिल की बात बता सकते हैं। तो आपको यकीन माने कि 13 अप्रैल तक अवश्य सफलता मिल जाएगी। इसके बाद जो है बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कुंभ राशि के दूसरे भाव में विराजमान होंगे, यानी कि अभी प्रथम भाव में है और 13 अप्रैल के बाद ये दूसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप कुंभ राशि के नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए अच्छा समय होगा। जो नौकरी की तलाश कर रहे थे उनको नौकरी मिलने की संभावना है।
28 अप्रैल 2022 का शनि का कुंभ राशि में गोचर होने जा रहा है। शनि की यह स्थिति आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। व्यापार वर्ग से जुड़े जातकों को धन में वृद्धि होगी और उनके कार्य क्षेत्र में भी विस्तार होगा। तो जो है 13 अप्रैल के बाद और उसके बाद 28 अप्रैल को जो है शनि भी कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। तो 13 अप्रैल 2022 को राहु मेष राशि में प्रवेश करेंगे जो कुंभ राशि के तीसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे, यानी कि दूसरे भाव में गुरु रहेंगे और तीसरे भाव में जो है वो राहु प्रवेश कर जाएंगे। राहु की यह स्थिति कुंभ राशि वालों के पराक्रम को सफल करेगी। आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। यह साल धन की दृष्टि से बेहद ही शुभ है। धन आएगा तो खर्च भी होगा और खर्च कम करें। महंगाई की दौर में अगर आप खर्च पर लगाम लगाते हैं तो यह आने वाला समय के लिए आपके लिए स्वर्णिम रहेगा। छात्रों के लिए यह समय कड़ी मेहनत वाला होगा। पारिवारिक दृष्टि से समय कुल मिलाकर बेहद ही अच्छा है। अविवाहित जातकों के इस वर्ष विवाह होने की प्रबल संभावना है। जैसा कि आपको बताया कि 13 अप्रैल तक जो है गुरु कुंभ राशि में है, उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो इसके लिए इस वर्ष विवाह के योग हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय बीतने वाला है। सेहत के मामले में कुंभ राशि के जातकों को सचेत रहने की जरूरत है। कार्य की अधिकता की वजह से आपको तनाव महसूस हो सकता है। कुल मिलाकर नया साल 2022 कुंभ राशि वालों के लिए लाभकारी साबित रहने वाला है। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण 13 अप्रैल को पड़ेगा जो कुंभ राशि के तीसरे भाव में होगा। सूर्य की यह स्थिति पराक्रम में वृद्धि करेगी और व्यापार वर्ग को धन लाभ होगा। साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो जातकों के बीच वाद विवाद पैदा हो सकता है। वहीं साल का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को पड़ेगा जिसमें सूर्य कुंभ राशि के नवम भाव में विराजमान होगा। सूर्य की यह स्थिति आपके भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। आपका जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है जिसकी वजह से घर में कलह बनी रहेगी। इस वक्त किसी भी निर्णय लेने से बचे और यात्रा को टाल दें। यानी कि 25 अक्टूबर तक जो है जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो उस समय तक आप यात्रा को टाल दें, यानी कि उस दिन भी आप यात्रा टाल सकते हैं। और निर्णय लेने के समय में एक बार फिर से जरूर सोचे और कड़ी प्रतिक्रिया किसी को भी ना दे, खासकर जीवन साथी से। और महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करना आपके लिए श्रेष्ठ कर होगा इस समय में। साल 2022 का पहला चंद्रग्रहण 16 मई को पड़ रहा है जिसमें चंद्रमा कुंभ राशि के दसवें भाव में विराजमान हो जाएंगे। यह स्थिति आपकी माता की सेहत पर असर डाल सकती है। चंद्रमा की यह स्थिति कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव उत्पन्न करेगी। नौकरी पेशा कालों का अधिक कार्यभार संभालना पड़ सकता है जिसकी वजह से तनाव बना रहेगा। वहीं 8 नवंबर 2022 को दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा जो कुंभ राशि के तीसरे भाव में होगा। चंद्रमा की यह स्थिति कुंभ राशि के जातकों के पराक्रम में वृद्धि करेगी। आप व्यापार विस्तार के लिए यात्रा कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ सहयोग प्राप्त होगा। अब आपने करना क्या है तो शिवलिंग पर काले तिल जल में मिलाकर हर सोमवार शनिवार को आपने अर्घ देना है। काले तिल के तेल का दीपक शनिदेव को अर्पित करना है। गरीबों में पेड़े बांटना है आपने। मजदूर वर्ग के साथ इज्जत से पेश आना है। भाग्य में वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी के मंदिर में गाय घी का दीपक जलाना श्रेष्ठ कर होगा। वर्ष 2022 में नीला और सिल्वर रंग का कपड़ा पहनना, वस्त्र पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। साल 2022 में कुंभ राशि के लिए शुभ अंक 8 और 6 है। आइए अब प्रेम राशि फल जानते हैं। तो कुंभ राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में साल 2022 मधुरता लेकर आएगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह स्थल हो जाएगा। वैवाहिक जोड़ों के लिए समय बेहद ही शुभ है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम अपने जीवन साथी के साथ बिताएं। प्रेम विवाह के इच्छुक जातकों का प्रेम विवाह निश्चित ही संपन्न हो जाएगा। कैरियर कैसा रहेगा तो कैरियर के मामले में साल 2022 में कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। नौकरी की तलाश में जातकों को नौकरी मिलने वाली है। व्यापार वर्ग से जुड़े लोगों को व्यापार में विस्तार होगा, यानी उन्हें धन लाभ होगा। अनावश्यक खर्च से आपको जूझना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी तो साल 2022 में कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति सामान्य रहने वाली है। ना अधिक आमदनी होगी और ना अधिक खर्च होगा, यानी धन वृद्धि तो होगी भी तो धन खर्च भी होगा। आप किसी कानूनी मामले में उलझ सकते हैं, इसके लिए सोच समझ कर आगे चले। अचल संपत्ति में निवेश करने से पहले सोच समझ ले। वर्ष के मध्य में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। आइए जानते हैं कि पारिवारिक मामले कैसे रहेंगे। तो पारिवारिक दृष्टि से साल 2022 कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद ही शुभ है। हालांकि शुरुआत में आपको परिवार में किसी प्रकार की अनबन हो सकती है, बाद में आपके परिजनों के साथ आपका व्यवहार सौहार्दपूर्ण रहेगा।
परिजनों में आपसी प्रेम बना रहेगा और रिश्ते भी मजबूत होंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। हालांकि माता की सेहत का ध्यान रखें, जैसा कि आपको बताया गया ग्रहण के समय में माता के सेहत पर विशेष प्रभाव पड़ सकता है। परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा और आपको परिवार के सहयोगियों का साथ मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र कैसे रहने वाले हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में साल 2022 कुंभ राशि के छात्रों के लिए संघर्ष भरा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र कड़ी मेहनत के बाद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। जो छात्र विदेश जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए यह साल सामान्य रहेगा। इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप मन लगाकर पढ़ें। साथ ही आपको कुछ उपाय बता देता हूं सूर्य को मजबूत करने के लिए, इससे कैरियर को नया आयाम मिलेगा, साथ ही सरकारी नौकरी के भी योग बनेंगे। तो रोजाना सूर्य देव को जल का अर्घ देना है, रोजाना 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, माता पिता के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना है। साथ ही अगर हो सके तो मंगलवार का व्रत अवश्य करें, ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें तो आपको अवश्य ही कामयाबी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना ही तुले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो केपी टीवानी से संपर्क करें, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य आपको सूचना पहुंचाना ही था। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो बेल आइकन भी करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही जय श्री राधे कमेंट में लिखना बिल्कुल ही ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप अपना सलाह अथवा परामर्श अवश्य दें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप स्व परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। परमपिता परमेश्वर की विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। विषम परिस्थिति में भी आपको परमपिता परमेश्वर मार्ग दिखाए और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।